ବାରାଣସୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାଲିମ। NSTCI ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ MOU। ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ବାରାଣସୀଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗ ତଥା NSTCI ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ DP ୱାର୍ଲ୍ଡର ଭାରତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି MOU ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀଠାରେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ବିଦେଶରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ दक्षता विकास पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे स्किल्स मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और UAE के मंत्री श्री अहमद बेलहोल ने आज विटनेस किया। एक नया MOU साइन हुआ है बिटवीन NSDC एंड ऑल्सो DP वर्ल्ड। DP वर्ल्ड UAE की बहुत बड़ी एक कंपनी है और उन्होंने आपस में एग्री किया है कि बनारस में एक स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा और ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर बहुत सारे स्किल्स वहां डेवलप करेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इन द UAE। कार्यक्रम में केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते उपसागरीय देश और विश्वर अन्य देशगुड़िक सह भारत एक सहयोगी राष्ट्र हो पारी। सरकार देशर युवकों आकांक्षा को पूरण करने दिगरे कार्य कर। सरकार दक्ष और निर्भरजोग्य मानव संबल प्रस्तुत करा देश और विश्व अर्थनीति गतिशील हो। भारत एवं UAE मध्ये दृढ़ संपर्क रही आज MOU द्विपाक्षिक संपर्क को आहुरी मजबूत कर। MOU स्वाक्षर होगापर UAE उद्यमिता क्षुद्र एवं मध्यम उद्योगी मंत्री डॉक्टर अहमद बेलहल अल्फालासी और UAE प्रतिनिधिमंडली बैठक करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दक्षता विकास एवं उद्यमिता क्षेत्र में भारत और UAE संपर्क को आहुरी सुदृढ़ करने दिगरे बैठक आलोचना होता। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।